फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज घटनाएं कोलकाता से जुड़ी हैं। नेताजी से जुड़ी कई घटनाएं ऐसी हैं जो आज भी रहस्य है और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसमें कोलकाता के एल्गिन रोड स्थित नेताजी भवन में वह कार आज भी देश की धरोहर के रूप में मौजूद है। इसी कार में सवार होकर नेताजी नजरबंदी के दौरान अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर फरार हुए थे। इतिहास में यह घटना द ग्रेट एस्केप नाम से मशहूर है। तो देखिए यह खास रिपोर्ट। आपको कहानी बताते हैं गाड़ी की, जिस गाड़ी की कंट्रीब्यूशन शायद भारत के इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा एक हाथ था। ये गाड़ी कोलकाता में है और वो गाड़ी आपके सामने हम लोग अभी अगर दिखाएं आपको तो यही है वो ऑडी गाड़ी जो कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर पे अभी तक दिखेगी। ये गाड़ी क्यों इम्पोर्टेंट है भारत के इंडिपेंडेंस के लिए, ये कहानी हम आपको बता रहे हैं। इसी गाड़ी से 1941 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसी घर में ब्रिटिश पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया था, वो इसी गाड़ी से यहाँ से भागे थे शिशिर बोस के साथ और वो डिसगाइज में भागे थे। इसका मतलब ये है कि क्योंकि वो हाउस अरेस्ट में थे ताकि किसी को ना पता चले कि वो नेताजी है, इसी गाड़ी में पैसेंजर बन के शिशिर बोस के साथ वो 16 और 17 जनवरी को यहाँ से झारखंड तक गए थे और वहाँ से वो काबुल और फिर रशिया और जर्मनी गए, आज़ाद हिंद फौज बनाया। तो इस गाड़ी की कंट्रीब्यूशन भारत के इतिहास और भारत के इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा है। इस पूरे कांड को द ग्रेट एस्केप कहा जाता है। गाड़ी ऑडी मॉडल की है और यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो वहाँ पे कम्प्लीटली लिखा हुआ है कि कौन सी मॉडल है, वॉन्डरर BLA 7169। ये गाड़ी शिशिर बोस की थी और शिशिर बोस जो हैं उन्होंने ही यहाँ से रात के अंधेरे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को झारखंड के गुमराह तक लेके गए और वहाँ से सुभाष चंद्र बोस चले गए काबुल, फिर रशिया और उसके बाद जर्मनी, फिर जापान और उसके बाद सिंगापुर में आकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को लेकर भारत की तरफ उन्होंने अपना आगमन किया। तो इस गाड़ी की कहानी हमने बताई आपको जो शायद भारत में और भारत के इतिहास में इंडिपेंडेंस जब बात की जाएगी इस गाड़ी की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा रहेगी। नेताजी के फरार होने की 76वीं वर्षगांठ पर इस कार को कोलकाता के एग्लिन रोड स्थित नेताजी रिसर्च ब्यूरो के 60वें स्थापना दिवस पर रीस्टोर कर प्रदर्शित किया गया था। आज संग्रहालय में रखी यह कार देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हर साल नेताजी की जयंती पर काफी तादाद में लोग यहां आकर कार के साथ सेल्फी लेते हैं। तो वहीं 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। सूर्याग्नि राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज तक।